नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक महाभारत को घर घर तक पहुंचा दिया। आप सोचेंगे कि मैं इंडिया पुराण जैसे धार्मिक चैनल पे उस शख्स की बात क्यों कर रहा हूं। तो उस शख्स का नाम रवि चोपड़ा था और वो मेरे दोस्त भी थे और मैंने उनके साथ 25 दिनों तक एक शूटिंग की थी और उससे काफ़ी हमारा मतलब कि काफ़ी अच्छी जान पहचान और एक तरह से दोस्ती कही। मैं उनके स्टूडियो जाया करता था जो खार में था और एक बार उनका बंगला जो जुहू पे है वहाँ पे भी गया था। तो मैं सोचा कि क्यों न मैं उनके बारे में आपको कुछ थोड़ी जानकारी दे दूँ, क्योंकि अभी हम इंडिया पुराण चैनल पे ये सब नई नई चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं। कि जैसे पिछले में हमने आपको गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हनुमान जी पोद्दार के बारे में बताया था, तो एक दो उन लोगों ने जो कहिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें धर्म के मामले में थोड़ा प्रभावित किया या हमें पहुंचाया, तो हम उनकी भी बातें करते हैं। तो आइए बातें करते हैं रवि चोपड़ा जी की। जैसा कि मालूम है कि रवि चोपड़ा ने महाभारत सीरियल बनाया था और हालांकि कहने को तो ये बी आर चोपड़ा का निर्देशन की बात की जाती है, लेकिन असल में रवि ने ही इसको निर्देशित किया था और चांदीवली स्टूडियो फिल्म सिटी वगैरह में क्या कहते हैं कि स्टेज लगा था और काफी दिनों तक था। और जब मैं उनके महाभारत में के सीरियल में तो मैंने उनके साथ काम नहीं किया था, लेकिन जो मेरा एक कोलगेट पे एक आधे घंटे की फिल्म बनी थी, मैं उन्होंने वो फिल्म शूट की थी और उस और ये सारी शूटिंग जो है मुंबई के चांदीवली स्टूडियो में हुई थी। और काफ़ी एक मैं 15-20 दिनों तक उनके से ये की, क्योंकि हमारी शूटिंग सुबह से लेकर के शाम तक होती थी, तो काफी साथ रहने का मौका मिला, उन्हें जानने का मौका मिला। तो रवि जो थे एक फिल्मी खानदान से आए थे, उनके पिता बी आर चोपड़ा काफी नामी गिरामी डायरेक्टर थे और उनके जो यश चोपड़ा उनके अंकल, तो उनका पूरा खानदान जो था वो कहिए कि वो फिल्मों से ही आए थे और काफी सफल थे वो लोग उसमें। उनके काफी खार में दो दो स्टूडियो भी थे जहां मैं जाया करता था। एक आध बार बी आर जी को भी वहां देखा था, तभी बी आर जी भी जिंदा थे। तो उन्होंने जो महाभारत को एक भव्य रूप दिया, घर घर तक पहुंचाया, उनके लिए और आप हो या कोई, सारी दुनिया जानती है कि महाभारत कितना सुपरहिट सीरियल था और उसमें इन्होंने जो एक हर एक कहानी को जो था उसको एक जिसको कहते हैं एक आधुनिक प्रसंग से जोड़ा, हर चीज को एक अच्छा महाभारत में ऐसा हुआ, आज के टाइम में वैसा क्यों हो, से उसका क्या रिलेशनशिप है। तो इस तरह की बहुत सारे बातें होती रहती थी और मैं महाभारत के बारे में कम, रवि के बारे में या रवि जी के बारे में ज्यादा बातें करूंगा। और जब भी मैं सेट पे जाता था तो सब लोग रवि जी पैर चुके प्रणाम करते थे। और चूंकि मैं एडवर्टाइजिंग से आया था तो एडवर्टाइजिंग में हर चाहे आप सीईओ हो चाहे आप के जूनियर हो, सब आपको फर्स्ट नाम से ही बुलाते थे। तो चाहे जो जिस फिल्म की शूटिंग मैं कर रहा था, आई थिंक सिमरन हीरोइन थी और अमर उपाध्याय जो बाद में आई थिंक क्योंकि सास भी कभी बहू का हीरो था और शायद उसने काज फिल्म में भी की थी अमर, वो सब लोग जी जी करके बुलाते थे। एक मैं ही था जो रवि या जो उनके कैमरा मैन थे किशन जी, किशन मल्होत्रा, तो सबको फर्स्ट नाम से ही बोलता था। लेकिन किशन जी को मैं किशन जी बोलता था क्योंकि वो मेरे
कलीग थे वो उनके फादर थे, तो इस लिहाज से मैं उनको फर्स्ट नाम से नहीं बुला सकता था, लेकिन बाकी लोगों थे और काफी अच्छा माहौल रहता था। तो और जो मैंने रवि के बारे में जाना, वो काफी ही घुल मिल और काफी मतलब कि कोई एक फर्क नहीं रखता था। मैं तभी आई थिंक मैं रिडिफ्यूजन में काम करता था एक राइटर की हैसियत से, क्योंकि फिल्म के स्क्रिप्ट और गाने मैंने लिखे थे, तो मैं सेट पे और वो साथ में खाना पीना, और वो मैं आई थिंक तभी मैं लोखंड वाला रहता था, तो वो खुद ही अपनी गाड़ी से आई थिंक उनकी एक ओपन कार थी, शायद फरारी थी, वो उसमें मुझे हर दिन ड्रॉप किया करते थे। मतलब कि कहाँ मैं एक छोटा राइटर और वो कहाँ वो ड्राइवर को भी भेज सकते थे, लेकिन वो हमेशा खुद ही मुझे वहाँ ड्रॉप करते थे, क्योंकि शूटिंग काफी रात तक चलती थी। और उसके बाद भी हमारे संबंध जो है काफी मतलब कि अच्छे, मैं बार बार कई बार फोन करता था और उनके स्टूडियो जा करके यूं भी। और बिट्टू था, बिट्टू से भी मेरी दोस्ती थी, अभी तो 15-20 साल हो गए हैं और अब याद भी नहीं है बिट्टू कहाँ है क्या है, जो उनके साथ एक आदमी लड़का काम करता था। तो उन्होंने जो, और फिर महाभारत के बारे में वो मुझे काफी बातें बताया करते थे, कि जैसे वो कहते थे कि महाभारत ने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। उदाहरण देते कि कई लोग जो थे जब जो छोटे से छोटे कलाकार हो, या जो है जिनको कुछ मतलब कि गरीब थे या एक बहुत कुछ नहीं था, लेकिन बाद में जब जो जो महाभारत चलता रहा और सफल होता गया, बहुतों ने गाड़ियां खरीद ली, कुछ लोगों ने तो घर भी खरीद ली। मतलब सोचिए इतना बड़ा मतलब कि इतना सफल और इतने लोगों की जिंदगी बदल दी महाभारत ने। और हमारा जो ये जो हमारी शूटिंग होती थी, ये चांदीवली स्टूडियो है मुंबई का, अंधेरी वेस्ट में है, हमारी फिल्म की पूरी शूटिंग भी यही थी। चांदीवली स्टूडियो भी अपने आप में एक अजब है। मैं भी तो छोटे शहर का ही हूँ, छोटे गांव का ही हूँ, तो जब आया था तो मैं और फिल्मों से मेरा सब कुछ यहाँ पे, आपको हर चीज का सेट मिल जाएगा। यहाँ पे एक तालाब है और यहीं पे एक मंदिर है, जहाँ पे दीवार की जो बहुत फेमस शूटिंग है अमिताभ बच्चन की, वो वहाँ पे हुई थी। तो जब भी कोई देखने आता है तो वो मंदिर को देखने जरूर जाता है, कि अरे यहीं पे अमिताभ और निरूपा राय की जो एक बहुत फेमस सीन है दीवार में, वो हुआ था। और देख के यहाँ पे आउटडोर शूटिंग वगैरह है सब कुछ, तो एक जो पूरा का पूरा फिल्म में है, कमरे बने हुए हैं, मतलब कि एक पीपल का पेड़ है जहाँ चौपाल बना हुआ है, और कई तरह के घर बने हुए हैं। तो ये चांदीवली स्टूडियो अपने आप में समझिए एक गांव ही है और एक शहर भी है, हर कुछ हो सकता है। याद है एक बार आई थिंक मैं जब शूट उनके साथ था, तो आई थिंक एक बार धर्मेंद्र और सनी देओल भी मिलने उनसे आए थे, तो मुझे याद है धर्मेंद्र को उन्होंने क्या कहते हैं पैर छू के प्रणाम किया था, और मुझे बोला चलो तुम भी करो। तो इस तरह से रवि जो थे काफी एक दोस्ताना तरह के इंसान थे, काफी खुश मिजाज थे, और इतना लाइक माहौल अच्छा होता था सेट पे। तो और चूंकि वो उन्होंने महाभारत के लिए महाभारत को घर घर पहुंचाया है, इसलिए इंडिया पुराण चैनल पे मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ऐसे इंसान के बारे में पता चले। और फिर उन्होंने फिल्में भी बनाई थी, और वो काफी क्रिएटिव आदमी थे, मैं भी क्रिएटिव मतलब कि चूंकि राइटर था, तो हम डिस्कस करते थे रवि ऐसी फिल्में बना सकते हैं, ऐसी कहानियां कह सकते हैं। तो मैं एक कहानी कहता था तो वो लटकू तीन कहानी बना देते थे, बता देते थे, मतलब कि उसको इतना, वो खुद ही बहुत ही क्रिएटिव आदमी थे, और शूटिंग वर्क इतना फटाफट करते थे, एक सीन हुआ चलो कैमरा वहां लगाओ वहां लगाओ। और तो काफी मुझे उनकी बहुत सारी यादें हैं। और चूंकि मैं अभी महाभारत और इंडिया पुराण का चूंकि चैनल पे चला रहा था, तो मुझे उनकी याद आई, तो मैं सोचा कि उनपे एक छोटा सा एक संस्मरण, उनकी यादें तो जरूरी है, और ताकि
और उन्होंने ऐसा महाभारत जो बनाया, जो मुझे यकीन है वो लाइक कम से कम 100 साल तो उसकी यादें लोगों को रहेंगी। अभी मालूम नहीं 15 साल 20 साल हो गए, लेकिन अभी भी लोग जो है वो यूट्यूब पे या हर जगह पे वो देखते रहते हैं, और जब भी महाभारत की कहानी की याद आएगी, रेफरेंसिंग की बात आएगी, तो वो लोग महाभारत वहीं से क्या कहते हैं वो जरूर यूट्यूब पे देखते हैं, यू नो। तो इन्हीं यादों के साथ बाद में पता चला था कि रवि जी काफी बीमार रहते थे, और उनको काफी आर्थिक तंगी भी हो गई थी, क्योंकि वो क्रिएटिव आदमी थे और कई सारे सीरियल, ये करो वो करो, काफी सारे, शायद उन्होंने एक आर्थिक क्या कहते हैं रूप से काफी सारे गलत इन्वेस्टमेंट भी किए थे। और हालांकि कुछ फिल्में उनकी चली नहीं, तो बाद में आई थिंक बीआर जी ने बागबान बनाई थी जो हिट हुई थी, तो थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन सही हुई थी, लेकिन बहुत सारी उनकी फिल्में, क्योंकि वो हमेशा एक रेस्टलेस एनर्जी उनमें थी कि, और मुझे याद है एक बार उन्होंने कहा था कि मैं 8 सीरियल जो है ना लॉन्च कर रहा हूँ, तो काफी कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो एक जो बर्स्ट ऑफ एनर्जी का उनको कंट्रोल नहीं था, और ऐसे में शायद वो फाइनेंशियल डिसीजन, तो मुझे मालूम नहीं है पूरी बातें, और वो शायद वो मैं बात रिसर्च करके बोलना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सुना आदित्य चोपड़ा जो उनके कजन, मतलब कि यश चोपड़ा और बी आर चोपड़ा भाई थे, और यश चोपड़ा के रवि बेटे थे, और नहीं बी आर चोपड़ा के रवि बेटे थे और यश चोपड़ा के आदित्य चोपड़ा थे, और आदित्य काफी बाद में उनकी भी फिल्में काफी सफल हो गई, तो शायद उनके कुछ होंगे वो, मैं ये मेरे पूरे बात का वो लाइक सार भी नहीं है, और मैं उस वजह से ये वीडियो भी नहीं बनाना, ये वीडियो तो मैं एक तरह से कि ये रवि की यादें, चूंकि महाभारत पे अभी काफी चीजें मैंने वीडियो बनाना वहाँ की कहानी सुन, तो उनकी सोचा उनका जो संस्मरण है जो मैंने उनके साथ वक्त गुजारे वो भी आप लोग साथ शेयर करूँ, ताकि ऐसे जो जो उन्होंने जो काम किया उन्होंने, और उनके जो फिल्म प्रोडक्शन जो बी आर चोपड़ा फिल्म प्रोडक्शन ने जो काम किया, ये हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो ठीक है दोस्तों, हम इसी तरह से बकल महाभारत पुराण की कहानियां नहीं, अगर उनसे जुड़े कुछ मेरे संस्मरण है या मैं कुछ रिसर्च करके कर सकूं, तो वो भी मैं आपके पास लाता रहूंगा, ताकि आपको एक वैरायटी और कहानी के पीछे की कहानी और कहानीकार को आपको जानने का मौका मिले। तो इस तरह से मैं बहुत सारे संतों के इंटरव्यू भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप जरूर देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं यहीं से विदा लेता हूँ और आज्ञा दीजिए, नमस्ते।